डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन SNS मैथ क्लास. डियर फ्रेंड, आज हम कोई टॉपिक नहीं स्टडी कर रहे हैं, बल्कि हम प्रिपरेशन फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन के ऊपर बात करेंगे. और ये स्पेशली क्लास टेंथ के लिए है, ये क्लास टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए है कि जो लोग बोर्ड एग्ज़ाम की इस साल प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए. इस सीरीज़ का ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मैं आज आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बात करूंगा. देन द सेम वे हम लोग कोशिश करेंगे पहले कि जो हमारे 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में जो इजी टॉपिक है, जिनको आप आसानी से, जिसमें आप इसका हाई स्कोर कर सकते हैं, पहले उनकी बात करेंगे. एंड देन हम एक ओवरऑल एक प्रोग्राम चॉक आउट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं, कैसे आपका आप एक 90+% मार्क्स से पास होंगे. टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है. अब वो 6 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, दैट मीन क्लास 10 का टोटल 80 मार्क्स का पेपर होता है. उस 80 मार्क्स में से 6 मार्क्स जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चन होंगे. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा. ओके, ये फिक्स नहीं है, ये भी कह सकते हैं कि क्यों नहीं 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन हो सकते हैं. अदर कम्बिनेशन में भी कि 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं. लेकिन लास्ट ईयर जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें 1+2+3 कम्बिनेशन में आया था. अगर कम्बिनेशन चेंज होता है तो वो 2-2-2 का कम्बिनेशन हो सकता है. सो इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को प्रिपेयर करने के लिए पहले आपको कौन से फॉर्मूले याद होने चाहिए. पहले तो ये 4 फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए. द फर्स्ट वन इज डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल. डिस्टेंस फॉर्मूला मीनिंग डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट. सपोज ये दोनों पॉइंट है, सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज दिस. अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये हमारा जो टॉपिक है ये कुछ इस तरह से है कि सपोज पी और क्यू 2 पॉइंट्स है और पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वन वाई वन और क्यू का कोऑर्डिनेट एक्स टू वाई टू है, इन दैट केस जो डिस्टेंस होगा पी और क्यू के बीच में, उसके लिए फॉर्मूला ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट. फ्रेंड, इसको हम एक्स वन वाई वन ले या इसको एक्स वाई वन ले, इससे कोई फर्क नहीं होता. दैट मीन एक्स वन माइनस एक्स टू और वाई वन माइनस वाई टू लिखने से भी इस फॉर्मूले पे कोई इफेक्ट नहीं होगा. सेकेंड फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूले का मतलब क्या है कि हम एक पॉइंट आर पता करना चाह रहे हैं जो इसको एम इज टू एन रेशियो में डिवाइड करता है. एम इज टू एन रेशियो का मतलब हो गया कि पी आर अपॉन आर क्यू जो है वो एम अपॉन एन है. तो इस आर पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ये एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बाई एम प्लस एन, एम वाई टू प्लस एन वाई वन बाई एम प्लस वन. नाउ अदर मतलब मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला मीनिंग ये आर जिसको हमने बोला है ये एम एन रेशियो मीनिंग 1:1 का रेशियो हो जाएगा. सो आर ये मिड पॉइंट बन जाएगा. तो उस केस में हमारा फॉर्मूला बन जाएगा x1 plus x2 by 2, y1 plus y1 by 2. And the another one, area of a triangle. That means, अगर एक triangle है, जिसके vertices x1, y1, x2, y2 and x3, y3. If these are the vertices of a triangle, then area will be like this. याद करने का simple तरीका, 1 by 2 के साथ क्या करते हैं? See, हमने तीनों vertex में x1, x2, x3 ये बाहर लिख लिया है. देन क्या कर रहे हैं, यहां 1 है ना, तो 1 के बाद 2-3 फॉलो करेगा. सो वाई टू माइनस वाई थ्री. यहां 2 है तो 2 के बाद 3-1, सो 3-1, और 3 है तो ये हो जाएगा 1-2. ओके, यानी एक सीरीज चल रही, देखिए 2-3, देन 3-3-1, देन 1-2. सो दिस वन इज द एरिया ऑफ ए एरिया ऑफ द ट्राइंगल. ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा. तो डियर फ्रेंड, अभी एक क्वेश्चन होता है कि हम इतने सारे क्वेश्चनों में किन क्वेश्चनों को सिलेक्ट करें. सो आई हैव सेलेक्टेड 5 क्वेश्चन फॉर यू. मैंने 5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं. टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे. सो व्हाट आर दोज 5 क्वेश्चन, वो क्या है 5 क्वेश्चन. जो सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बनता है वो होता है शो दैट गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर. कि अगर 3 पॉइंट्स गिवन है तो हम ये प्रूव करें कि वो कोलिनियर है, और अदरवाइज उस क्या करेगा, पॉइंट में एक अननोन नंबर दे देगा और कहेगा कि उस अननोन की वैल्यू को फाइंड आउट करो if the points are collinear. यानी find unknown if given points are collinear. ये हमारा first question हुआ. Question number second हो सकता है, find a point on x-axis or y-axis
एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कोई एक ऐसा पॉइंट ले जो गिवन पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम गिवन पॉइंट। हमारा थर्ड क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट बनता है कि अगर किसी ट्राइंगल की थ्री वर्टिसेस गिवन है तो हमें चेक करना है कि वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल है या आइसोसेलस है। फोर्थ क्वेश्चन हो गया कि सेम इफ फोर वर्टिसेस किसी क्वाड्रिलेटरल के फोर वर्टिसेस गिवन है तो हम ये चेक करने की कोशिश करेंगे कि वो पैरेलोग्राम है, रेक्टेंगल है, रोम्बस है या स्क्वायर है। और एक फिफ्थ क्वेश्चन हो सकता है फाइंड द रेशियो विद द हेल्प ऑफ गिवन कंडीशन। दैट मीन हम अगर हमें सपोज कि कोऑर्डिनेट गिवन है, जैसे पी क्यू के कोऑर्डिनेट गिवन है, हम इस एम और एन के रेशियो को पता करेंगे जो एम एन पता करने के लिए कुछ और कंडीशन देगा। सो ये बेसिकली फाइव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे जनरली ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन को कवर कर जाते हैं। अगर आप अपनी किसी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं उस बुक में उस बुक के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस आर ऑफ दिस टाइप, वो इसी फाइव तरह के क्वेश्चंस हैं। तो एनसीईआरटी में अगर आप एनसीईआरटी की बुक में जाएं सो एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जांपल के अलावा देर आर फोर एक्सरसाइज, जो फोर्थ एक्सरसाइज जो ऑप्शनल है, ऑप्शनल से यहाँ मेरा मतलब है कि उसमें थोड़े क्वेश्चन कम पूछे जाएंगे। किन क्वेश्चंस को आपको करना है, मैंने कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट सेलेक्ट की है, जैसे एग्जांपल्स आप 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 जरूर करिए। ये 11, 12, 13 मैंने स्लैश पुट किया हुआ है, इट मीन इन तीनों में से कोई एक क्वेश्चन कर लीजिए और क्वेश्चन 14, 15 जरूर करिए। देन सिमिलरली 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 7.2 में 5, 6, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और एक्सरसाइज 3 में 1, 2, 3, 4, 5। ऑप्शनल एक्सरसाइज का एटलीस्ट 1, 2, 3, 6 ये क्वेश्चन जरूर करिए। दैट मीन जब आप रिवीजन कर रहे हैं, सी एक क्लास 10 के स्टूडेंट को ये तो जरूर है कि आप जो एनसीईआरटी बुक है इसको एटलीस्ट 2 टाइम पहले सॉल्व कर लीजिए। पॉसिबल है तो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर बुक है उसके भी उसको भी कम से कम एक बार सॉल्व करिए। अगर आपने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है देन जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है, दैट मीन आप प्री बोर्ड में प्री बोर्ड आ गया या बोर्ड एग्जामिनेशन के बिल्कुल करीब हैं, एग्जामिनेशन के बीच में जो आपको समय मिलता है उस समय पे इन क्वेश्चनों को जरूर कर लीजिए। यानी आप उस समय पर कई बार ये होता है ना, हम डिसाइड कर नहीं पाते कि अच्छा किस क्वेश्चन को करें किस क्वेश्चन को नहीं करें। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि आप एटलीस्ट इन क्वेश्चनों को तो जरूर रिवाइज करें एक बार दो बार उस टाइम में। आप इसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए गए हैं उनको आप छोड़ने का रिस्क ले सकते हैं और इन क्वेश्चनों को करेंगे तो वो आपके सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेगा। साथ में डिफरेंट क्या कीजिए कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस हैं कोशिश करना है कि लास्ट 5 ईयर के बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को देख लें। जैसे सी हियर, ये सीबीएसई एग्जामिनेशन का 2018 का पेपर है। अगर इस पेपर में हम देखने जाएं कि कौन सा क्वेश्चन आया था, देखिए एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये उन्होंने 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2 मार्क्स का क्वेश्चन रेशियो का था, सेक्शन फॉर्मूला फाइंड द रेशियो इन विच दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट दिस एंड दिस, एक डिस्टेंस फॉर्मूले का क्वेश्चन था और एक जो था हमारा वो सेक्शन फॉर्मूले का क्वेश्चन था। अगर आप चेक करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 15 में आपको तीसरा क्वेश्चन मिल जाएगा, ए बी सी के डी के कोऑर्डिनेट गिवन है, व्हाट इज द पैरेललोग्राम और फाइंड आउट करना है कि वैल्यू ऑफ ए बी सो दैट हेंस द लेंथ बिकम इक्वल, और ए बी सी डी गिवन है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करना है। सो डियर फ्रेंड मुझे क्या लगता है क्योंकि लास्ट ईयर कोलिनियर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, सो फॉर दिस ईयर कोलिनियर का जो क्वेश्चन होगा कि पॉइंट्स द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जामिनेशन के लिए। इवन ट्राइंगल के वर्टिसेस को देखे वो किस टाइप का ट्राइंगल है, ये क्वेश्चन नहीं था, क्वाड्रिलेटर वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 टाइप का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सो डियर फ्रेंड सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए क्या करना है, हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। मुझे उम्मीद है आपने एटलीस्ट एक बार तो ऑलरेडी एनसीईआरटी को पूरा सॉल्व किया होगा, सो ट्राई टू सॉल्व वन मोर टाइम, है ना। द एनसीईआरटी की पूरी बुक को कम से कम 2 बार आप सॉल्व कर लीजिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस ले लीजिए, है ना। देन अगर आप किसी सैंपल पेपर को कर रहे हैं तो एटलीस्ट लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चंस हैं और सीबीएसई सैंपल पेपर
जो हमारा सीबीएसई का सिंपल पेपर होता है, उन क्वेश्चनों को, उस क्वेश्चन को करिए, एंड देन एग्जामिनेशन टाइम में आप इन सिलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। आपको 100% इस टॉपिक में, ये टॉपिक हमारा ऐसा है कि जिसमें अगर ये 6 मार्क्स का टॉपिक है, सो वी में स्कोर सिंपली 6 आउट ऑफ 6, हमें 6 में से 6 मार्क्स इजिली इस टॉपिक मिल जाएंगे। डियर फ्रेंड, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको टॉपिक वाइज एक एनालिसिस प्रिपेयर करेंगे हम लोग, और हम लोग जल्दी ही आपको प्रोवाइड करने वाले हैं टॉपिक वाइज क्लास 10 के हर एक टॉपिक का एनालिसिस, और कोशिश करेंगे कि अदर देन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एक और कोई बुक जो आप लोग ज़्यादा फॉलो करते हैं, उस बुक की एक्सरसाइज का भी इसी तरह से एनालिसिस प्रिपेयर करें कि एग्जामिनेशन टाइम में आप किन क्वेश्चनों को करें और किन क्वेश्चंस को नहीं करें। कई बार क्या होता है कि जब एग्जामिनेशन का टाइम आता है, हम मोस्ट ऑफ द अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। सो डियर फ्रेंड, याद रखना है कि अगर एग्जामिनेशन का टाइम है, एग्जाम टाइम आ गया है, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है जो एग्जामिनेशन में आता है, बाकी क्वेश्चनों को एग्जाम टाइम में कम से कम नहीं सॉल्व करना है। आप नॉलेज के लिए आगे पीछे कभी भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जब एग्जामिनेशन आता है तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम एग्जामिनेशन को पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम उन क्वेश्चनों को ज्यादा करें जो हमें मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में प्रोवाइड करेंगे। सो डियर फ्रेंड, जरूर शेयर करिएगा वीडियो आपको कैसा लगा, किसी पर्टिकुलर टॉपिक, किसी पर्टिकुलर बुक के कि अगर आप क्वेश्चन वाइज एनालिसिस चाहते हैं तो हमें जरूर बताइए, हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी में एज अर्ली एज पॉसिबल हम उसकी एनालिसिस को प्रिपेयर करके अपलोड कर सके। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।